सच्चा सुख नामक इस संस्कार कथा में दर्शाया गया है कि सुख बाह्य भौतिक साधनों में नहीं अपितु अपने अंदर है। निज आत्म को भूला चेतन सुख का जहां खजाना है, और विषय वासना का रस पीकर आत्म रस नहीं जाना है। मैं और मेरा के चक्कर में फंसा हुआ संसार है, मिथ्या भ्रम में पड़कर प्राणी भूला सुख का द्वार है, भूला सुख का द्वार है। बच्चों, ये संसार तो असार है, दुखमय है, शरीर अशुचि है, अस्थिर है, और इंद्रियों के भोगों का सुख तृष्णावर्धक है, और सहज सुख अपने आत्मा का स्वभाव है। लेकिन अपने सहज सुख से अनजान अज्ञानी आत्मा कर्म के संयोगवश सुख दुख भोगता हुआ, भव भव में जन्म मरण करता हुआ भटक रहा है। ये जीव अपनी करनी के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है। आत्मा को कोई दुखी नहीं कर सकता, और आत्मा का दुख कोई बांट भी नहीं सकता। बच्चों, आत्मा का सुख तो त्रिकाल शुद्ध है, आनंदमयी है, परम शांत है, निर्विकार है, सिद्ध भगवान के समान ही सहज सुख स्वभावी है। सुख स्वभावी आत्मा के अनुभव पूर्वक सहज सुख का स्वाद आना ही विषय सुख की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का एकमात्र उपाय है। अब प्रश्न तो यह है कि सहज सुख जो अपने ही पास है, वो अपने को मिले कैसे, उसका स्वाद अपने को आए कैसे। देखो बच्चों, किसी भी वस्तु का स्वाद लेने के लिए ये आवश्यक है कि अपना उपयोग यानी ज्ञान उस वस्तु में एकाग्र हो और अन्य वस्तुओं की चिंताओं से मुक्त हो। मीठे जल का सेवन करते हुए भी यदि उपयोग किसी अन्य कार्य में आकुलित हो तो मीठे शरबत का स्वाद नहीं आएगा। पुत्र के वियोग में दुखी माँ को स्वादिष्ट भोजन रुचिकर नहीं लगता, क्योंकि उसका उपयोग स्वादिष्ट भोजन में नहीं पुत्र में जुड़ा है। बहुत धन की हानि से पीड़ित पुरुष को सुरीला संगीत सुनाया जाए तो उसका उपयोग संगीत में नहीं लगता, और गायन का सुख उसके अनुभव में नहीं आता। एक मजदूर नंगे पांव जेठ माह की धूप में भार लिए कोसों चलता है, लेकिन उसको पैर जलने का दुख नहीं होता, क्योंकि उसका उपयोग पैसा कमाने में उलझा है। और उसी जेठ माह की धूप में यदि किसी धनिक को चलाया जाए तो उसका उपयोग उधर ही लगा होने से वह बहुत दुख का अनुभव करता है। इस सब से यह सिद्ध होता है कि सारा खेल उपयोग का है। आत्मा का सुख स्वभाव है, और सुख प्राप्ति का साधन यही है कि हम अपना उपयोग बाहर से खींचकर मात्र अपने आत्मा में ही लगाएं। जिस समय अपना उपयोग अपने आत्मा से भिन्न सर्व पर द्रव्यों और पर भावों से हटकर मात्र अपने आत्मा में ही रमण करेगा, तभी सच्चे सुख का स्वाद आएगा। आत्मा के अनुभव पूर्वक प्राप्त सुख स्वयं में स्वयं से भोगा जाता है, बताया नहीं जा सकता। दीदी, हमें सच्चा सुख कहाँ और कैसे मिल सकता है? बेटा, सच्चा सुख बाहर नहीं है, सत्य पुरुषार्थ द्वारा उसे कोई भी जीव प्राप्त कर सकता है। देखो, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना और कहानी में गर्भित शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। सुनाइए दीदी, सुनाइए। एक राजा बहुत बुद्धिमान और दयालु था। वह गरीबों की सेवा और दान धर्म के कार्यों में रुचि रखता था। राजा के दरबार में
विदूषक नाम का एक मंत्री था। वह मंत्री बहुत ही कुटिल स्वभाव का था। दरबार में अनेक तरह के गुणी और विद्वान आते रहते थे, लेकिन मंत्री उनसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछकर ये सिद्ध कर देता था कि वे मूर्ख हैं, और विद्वान लोग स्वयं को अपमानित समझकर राजा से बिना मिले ही लौट जाते। एक बार दरबार में एक विद्वान आ पहुंचा और कुछ दिन ठहरने की अनुमति मांगी। मंत्री ने कहा, यदि आप हमारे प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दे सकेंगे तभी आपको ठहरने दिया जाएगा। विद्वान ने स्वीकार कर लिया और अगले ही दिन सभा में राजा से आज्ञा लेकर मंत्री ने विद्वान से प्रश्न पूछा, इस विश्व में सुख की खान कौन वस्तु है? आत्मा। तो क्या आप आत्मा को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। वो कहाँ है? यही है। क्या इस समय है? हाँ है। अच्छा तो दिखाइए, वह कहाँ है? आप आत्मा को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं या ध्यान में? हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। एकांत में देखेंगे या सबके सामने? सबके सामने। अभी देखेंगे या ठहर कर? अभी, इसी वक्त। समझ लीजिए, यह आत्मा है। अब आप सामने आइए। मंत्री घबराकर पीछे खिसकने लगा। राजा की आज्ञा हुई तो मंत्री को आगे आना पड़ा। विद्वान ने कसकर एक डंडा मंत्री की कमर में जमा दिया। डंडा पड़ते ही मंत्री जोर से चीख पड़ा और ढेर बनकर जमीन पर लेट गया। ये दृश्य देखकर सारे दरबार में हलचल मच गई। राजा क्रोधित होकर विद्वान से बोला, तुमने क्या बेवकूफी कर दी? इसमें बेवकूफी की क्या बात है महाराज? वाह, एक तो बिना वजह डंडे से मंत्री की कमर तोड़ दी और ऊपर से पूछ तो क्या बेवकूफी कर दी। लेकिन डंडा पड़ने से इन्हें क्या हानि हुई? हानि नहीं तो क्या उसे लाभ हुआ? देखते नहीं उसे कितनी पीड़ा हो रही है। कहाँ है पीड़ा? उसकी कमर में, जहाँ तुमने डंडा जमाया है। ऐसे मैं नहीं मानता। मंत्री जी से कहिए कि वे अपनी पीड़ा प्रत्यक्ष दिखाएं। लगता है तुम पूरे पागल हो। क्या शरीर के अंदर होने वाली पीड़ा कोई ठोस पदार्थ है जिसे आंखों से प्रत्यक्ष दिखाया जा सके? महाराज, मैं अपने कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री जी आप भी। लेकिन यहाँ आत्मा की प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए यह अपराध आवश्यक हो गया था महाराज। जिस तरह शरीर में होने वाली पीड़ा को प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जा सकता, उसी प्रकार आत्मा को भी प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जा सकता। जिस प्रकार मंत्री जी अपनी पीड़ा को स्वयं ही प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, उसी प्रकार आत्मा को भी अपने में ही स्वयं ही प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। सुख स्वरूप आत्मा का अनुभव ही तो सुख का सच्चा साधन है। बच्चों, बस इतनी सी बात है कि सुख स्वभावी आत्मा को भली प्रकार पहचाना जाए, ये विश्वास लाया जाए कि आत्मा है, आत्मा का स्वभाव सुख है, और इसी विश्वास युक्त ज्ञान को, उपयोग को आत्मा में स्थिर किया जाए, बस उसी क्षण आत्मा आप ही अपने ध्यान में सच्चा सुख पा लेता है। ये ज्ञान का उपयोग पांच इंद्री और मन के विषयों में उलझा रहता है, बस वहीं से हटाना है तभी आत्मा का ध्यान होता है। जैसे एक मनुष्य किसी ऐसे घर में बैठा है जिसकी छह दिशाओं में छह खिड़कियां हैं, हर समय खिड़कियों से बाहर ही देखा रहता। जिसकी छह दिशाओं में छह खिड़कियां हैं, इन खिड़कियों से हर समय बाहर ही देखा करता है। कभी भी खिड़कियों से देखना बंद करके अपने घर को नहीं देखता। यदि खिड़कियों से देखना बंद करके
अंदर देखे तो अपने घर के दर्शन हो। इसी प्रकार आत्मा के सुख स्वभाव को न जानने वाला अज्ञानी जगत पांच इंद्री और मन रूपी खिड़कियों से बाहर ही देखा करता है। इन इंद्रियों के विषयों में उपयोग को रमाते हैं। ये इंद्रियां तो दुख उत्पन्न करने वाली महाव्याधि हैं। इन इंद्रियों के विषयों से कुछ काल के लिए वेदना घट जाती है, परंतु विषयों की इच्छा रूपी दुख बढ़ता ही जाता है, जो जीव के मरण का कारण बनता है। देखो ना, हाथी स्पर्शन इंद्री का सताया होने से गड्ढे में गिरकर बंधन के घोर दुख को भोगता है। रसना इंद्री के दुख के वशीभूत मछली मछुआरे द्वारा फैलाए कांटे में फंसकर प्राण गंवा बैठती है। घ्राण इंद्री के दुख का सताया भवरा कमल की गंध के लोभ में कमल को बंद होता हुआ देखकर भी कमल में ही रहकर प्राण त्याग देता है। और चक्षु इंद्री के दुख को सह सकने में असमर्थ पतंगा रूप का लोभी होकर दीपक की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाता है। कर्ण इंद्री के वशीभूत हिरण शिकारी द्वारा गाए जाने वाले मधुर राग में अचेत होकर मार दिया जाता है। एक एक इंद्री की चाह में फंसने पर जीव को मरण होता है, तो पांचों ही इंद्रियों की इच्छा से पीड़ित इस मनुष्य नामक प्राणी की होनहार का तो कहना ही क्या। लेकिन फिर भी मरण की कारणभूत इंद्रियों की वेदना के वश में जीव इंद्रियों के विषयों में ही प्रयत्न पूर्वक लगे रहते हैं। इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित जीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े उस प्रकार विषयों में छलांग लगाते हैं, नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषयों के अर्थ खोते हैं। विषयों के अर्थ जहां मरण होना जाने वहां भी जाते हैं। नरक आदि के कारण जो हिंसा आदि कार्य उन्हें भी करते हैं। अज्ञानी जीव विषय सेवन को अपने दुख का इलाज मानते हैं, उनसे सुख मानते हैं। बच्चों, ये भ्रम है, क्योंकि जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा बनी रहती है, और जिस समय उस विषय का ग्रहण हो जाता है तब अन्य विषय की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। सो सुख मानना तो भ्रम ही रहा, क्योंकि जब तक इच्छा है तब तक आकुलता है, और जिसमें आकुलता है वह सुख वास्तव में सुख ही नहीं है। देखो, अनाकुलता जिसका लक्षण है ऐसा स्वाधीन सुख ही वास्तव में सच्चा सुख है, जो सुख स्वरूपी आत्मा के दर्शन से प्रकट होता है। यदि एक क्षण के लिए भी अपने उपयोग को पांच इंद्रियों और मन से हटाकर भीतर लगाएं, तो आत्मदर्शन हो, आत्मज्ञान हो, सच्चा सुख प्रकट हो। पर पद में सुख माना अब तक अपनी मंजिल खोई, अरे चारों गति में भटक रहा क्यों ओ अनजान बटोही। बाहर खोज रहा जिस सुख को वे बसा है तेरे अंदर, एक बार तो देख सुखों का लहरा रहा समंदर, एक बार तो देख सुखों का लहरा रहा समंदर।